गाइस, कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा एक हमारे पास में एक और वायरस हमारे सोसाइटी में फैल चुका है। हमारे अंदर, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, हर किसी के अंदर में आ चुका है लगभग। हमें सबसे पहले उससे लड़ना होगा यार। पता है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर सपोज़ कि आपकी सोसाइटी के बाहर एक सब्ज़ी वाला खड़ा होता है, जिससे आप मतलब रेगुलर सब्ज़ी लेते हैं, ठीक है, आप जब भी जाते हैं उससे सब्ज़ी आपको मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी जल्दी चले जाते हैं, मिल जाती है, देर में चले जाते हैं, थोड़ी जल्दी मिल जाती है, अच्छी बुरी थोड़ी बहुत मिल जाती है। बट अगर आपकी पूरी सोसाइटी का वो अकेला बंदा उसको आपको सब्ज़ी दे दे रहा है, ठीक है, तो पूरी सोसाइटी के लोग सारे सारे चिल रहते हैं कि हम जब भी सब्ज़ी लेने जाएंगे हमें सब्ज़ी मिल जाएगी। बट क्या हुआ कि एक बंदा गया उसके पास में और उसने क्या करा, उसकी सारी सब्ज़ियाँ खरीद ली एक बंदे ने अपने सब्ज़ी को स्टोर करने के लिए। कोरोना की डर से उसने बहुत सारी सब्ज़ियाँ, उसे बचानी थी अपनी फैमिली के लिए, उसने सारी सब्ज़ियाँ खरीद ली। अब क्या होगा, जब आप लोग सब्ज़ी लेने जाओगे तो आपको सब्ज़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर आपको जो दूसरे जगह का सब्ज़ी वाला पता होगा आप वहाँ जाओगे, उस सोसाइटी में भी ऐसा हुआ होगा तो फिर वहाँ भी सब्ज़ी नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, आप तीसरी जगह जाओगे, सेम ऐसे करते करते फिर आपको लगेगा कि आई थिंक आई शुड गो टू मंडी, जहाँ से वो सब्ज़ी सारे सब्ज़ी वाले मिल लेके आते हैं, वहाँ से मुझे सब्ज़ी मिल जानी चाहिए, ठीक है, तो आप सब्ज़ी मंडी पर जाओगे। अब ऐसा हर सोसाइटी में हुआ है, तो जो आपने करा है वो हर कोई करेगा। तो जो हमारा जो सबसे पहला जो मोटिव है कोरोना को हराने का, कि हमें भीड़ नहीं लगानी, एक जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना, वो सीधा सीधा फेल हो गया। एंड इट विल बी लाइक अ फीस्ट फॉर द कोरोना।